कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा ने कहा कि लाखों शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद करवाया। इन शहीदों को याद में नमन करने के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस राष्ट्रीय पर्व की तैयारियों में जरा सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। सभी अधिकारी प्रबंधों की कमियों को तुरंत दुरुस्त करेंगे। इस राष्ट्रीय पर्व की तैयारियों को पूरी गंभीरता के साथ पूरा करना है। इस पर्व में कोविड-19 की गाइडलाइन को विशेष रूप से ध्यान रखकर तैयारियां की गई हैं। वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर अंतिम तैयारियों के दौरान राष्ट्रीय ध्वजारोहण करने, परेड की सलामी लेने और निरीक्षण करने के उपरांत अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही थी। बता दें, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व पर उपायुक्त मुकुल कुमार राष्ट्रीय ध्वजारोहण करेंगे और जिलावासियों को अपना संदेश भी देंगे। ADC ने फाइनल रिहर्सल के दौरान सबसे पहले लघु सचिवालय परिसर में शहीदी स्मारक पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके उपरांत उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय खेल प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण करने के बाद परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर इस वर्ष ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा रहा है, केवल 4 सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने सभी टुकड़ियों के प्लाटून कमांडर को कमियों के बारे में जानकारी दी और उन्हें दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश देते हुए कहा कि उपायुक्त जब परेड की सलामी लेंगे तो सभी टुकड़ियां शानदार परेड करती हुई मुख्य मंच के आगे से गुजरेंगी। सभी टुकड़ियों के जवानों के कदम से कदम और कंधे से कंधे की ताल मिलनी चाहिए। जब सभी अच्छी परेड करेंगे तो निश्चित ही समारोह यादगार बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पूरे जिले में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा कवच को मजबूत बनाने के लिए पग पग पर पुलिस अधिकारी व कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इस समारोह को पूरे हर्षोल्लास व परंपरागत ढंग से मनाया जाएगा। इस मौके पर SDM नरेंद्र पाल मलिक, नगराधीश हरप्रीत कौर, DSP सुभाष चंदनायक, तहसीलदार जयवीर रंगा, जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री, डिप्टी DEO विनोद कौशिक सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बता दें, 15 अगस्त को रंगमय बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के लिए एक स्वागत गीत की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ साथ कार्यक्रम में देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर परेड की कमांड DSP नरेंद्र सिंह करेंगे। इसके अलावा हरियाणा महिला पुलिस की पहली टुकड़ी का नेतृत्व SI संतोष, हरियाणा पुलिस की दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व PSI विनय कुमार, होमगार्ड पुलिस की तीसरी टुकड़ी का नेतृत्व प्लाटून कमांडर हरविंदर सिंह, चौथी टुकड़ी NCC सीनियर विंग गुरुकुल की होगी। इस टीम का नेतृत्व अंडर ऑफिसर आदित्य चौधरी करेंगे। पांचवीं टुकड़ी NCC जूनियर विंग गुरुकुल का नेतृत्व सार्जेंट आयुष कुमार करेंगे। छठी टुकड़ी NCC जूनियर विंग अगरसेन स्कूल का नेतृत्व कमांडर नव्या अरोड़ा करेंगी और सातवीं टुकड़ी राजकीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नेतृत्व कमांडर याचना करेंगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह, जो कि एक जिला स्तरीय कार्यक्रम है, खेल परिसर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मनाया जाएगा और इसके लिए तैयारियां ऑलमोस्ट सभी पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर चीफ गेस्ट श्री मुकुल कुमार IAS डेप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र ध्वजारोहण करेंगे। धन्यवाद।